देखो क्या है, अब यहां पे भी क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, वहां पे भी स्फेरिकल सरफेस में ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज बनाया था, लेकिन वहां पे कनकेव और कन्वेक्स था, ठीक है। यहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट यहां पे जो मीडियम है, दोनों तरफ मीडियम जो है अलग अलग मीडियम है, जिसको हम मी वन और मी टू कहा गया, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस स्फेरिकल सरफेस पे, ऑब्जेक्ट से रे निकलती है और इस स्फेरिकल सरफेस पे जाती है। अगर इस स्फेरिकल सरफेस पे जाएगा तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो अगर रिफ्रैक्शन होगा तो हम पैर उस पर नॉर्मल डाल दिया। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। हमेशा स्फेरिकल सरफेस पे अगर नॉर्मल डालते हैं, वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, ठीक है। उसके बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये क्या, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये आई वन है या आई है, ये क्या है, आर है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ना पॉइंट एम पर जाएगा रे, ऑब्जेक्ट से रे अगर पॉइंट एम पर जाएगा, इससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है, इमेज से जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, ठीक है। और सेंटर से जो एंगल बना रहा है थीटा, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक, नो। देखो अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालें, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें, मानो कि ये परपेंडिकुलर ही है, मानो अगर परपेंडिकुलर ओ एम पी और एक ट्रायंगल बन रहा है एम पी और सी, दो ट्रायंगल हो गया, और एक और ट्रायंगल है एम पी और आई, ये तीन ट्रायंगल बन रहा है। मेरी बात समझ में आई, चलिए अब देखो क्या करना है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है, कहाँ पे, पॉइंट एम पर स्नेल्स लॉ लगाना है ना। तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम, एम पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यह म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला स्नेल्स लॉ यही होता है म्यू टू साइन आर। बट ये जो रे है ना, ये अल्फा एंगल जो दिख रहा है ना, वो काफ़ी छोटा है। अल्फा एंगल क्या है, काफ़ी छोटा है, अल्फा एंगल जो है लेस देन 10 डिग्री है, कितना है, लेस देन 10 है, तब जो रे कहलाएगा वो पारा एक्सियल रे कहलाएगा। अल्फा रे, अल्फा जो एंगल है वो लेस देन 10 डिग्री है, तो ये पारा एक्सियल रे कहलाएगा, ये जो रे कहलाएगा पारा एक्सियल, एंगल काफ़ी छोटा बनता है तो उसको बोलते हैं पारा एक्सियल रे, क्लियर है। तब क्या होगा, इस साइन आई को, साइन आई वन को सिर्फ आई लिखेंगे, ये एंगल, और साइन आर को आर लिखेंगे, क्लियर, ये आर, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे बताया दो ट्रायंगल बन रहा था है ना, और भी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो अगर M O और एक C, ये भी एक ट्रायंगल है, तो M O और C एक ट्रायंगल है, तो इसका जो एंगल है अल्फा और थीटा इंटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या है I, तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है ना, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, मतलब ये फॉर्मूला म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर होना चाहिए, और I को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन क्या लिखे, अल्फा प्लस थीटा, म्यू टू जैसा है वैसा छोड़ दिया। अब R की बात कर लेते हैं, R कौन सा एंगल है, ये एम सी और आई में देखते हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है, एम सी और आई एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल में थीटा एक्सटीरियर एंगल है
और आर और बीटा क्या है, इंटीरियर एंगल, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा माइनस बीटा, क्या लिखे यहाँ पे, थीटा माइनस बीटा, इसको लिख सकते हैं म्यू वन अल्फा म्यू वन थीटा इज इक्वल टू म्यू टू थीटा माइनस म्यू टू बीटा। ठीक है, तो अल्फा और क्या है बीटा। ठीक है, अगर देखा जाए अल्फा, अगर अल्फा टैन थीटा की बात करें तो अल्फा को हम लिख सकते हैं टैन अल्फा भी लिखा जा सकता है, तो एंगल काफी छोटा होने की वजह से अल्फा को क्या लिख सकते हैं टैन अल्फा। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा म्यू वन थीटा, या इसलिए म्यू टू थीटा माइनस म्यू वन थीटा, थीटा थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा म्यू वन अल्फा म्यू टू बीटा इज इक्वल टू थीटा कॉमन निकालेंगे तो म्यू टू माइनस। ठीक है, अब करें, अब जानते हैं हम अल्फा को लिख सकते हैं टैन अल्फा, टैन अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब क्या म्यू वन अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा एम पी, और बेस क्या होगा ओ पी, प्लस मी टू बीटा परपेंडिकुलर एम पी और बेस पी आई, उसके बाद ब्रैकेट वन इज इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब कौन सा, ये टैन थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा एम पी, बेस क्या होगा पी सी, मी टू माइनस मी टू माइनस वी वन, या एम पी एम पी सब जगह कॉमन है बाहर निकाल लेंगे, एम पी एम पी कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो क्या होगा एम पी एम पी कैंसिल आउट, तो क्या होगा मी वन ओ पी प्लस मी टू पी आई इज इक्वल टू मी टू माइनस मी वन अपॉन पी सी। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, इधर है ना, ये क्या होगा है माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा, देखो रे जो है आ रही है इस डायरेक्शन में आ रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे, इसलिए यू क्या होगा निगेटिव होगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे यू के आप लिखेंगे माइनस यू। ठीक है, तो लिखेंगे म्यू टू वी माइनस म्यू वन यू इज इक्वल टू मी टू माइनस वी वन बाई आर, ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है, मी टू वी माइनस मी वन यू मी टू माइनस मी वन बाई आर। ध्यान रखना एक बात, इसमें इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातें जो है हमेशा ध्यान रखना, पहला ये कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं पोल से और मेजरमेंट हमेशा पोल से ही करना है, क्लियर, अगर हम रे के अपोजिट जाते हैं तो निगेटिव और रे से रे के डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो पॉजिटिव, इससे पहले साइन कन्वेंशन ऐसे ही पढ़ा था हम लोग है ना, तो पी से अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो निगेटिव, क्योंकि रे रे के अपोजिट मेजरमेंट कर रहे हैं और रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिया यू निगेटिव लिया, यू क्या लिया निगेटिव, क्योंकि रे इस डायरेक्शन में आ रहा है और मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए हम यू क्या लिया निगेटिव। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा है म्यू टू वी माइनस मी वन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस मी वन बाई आर, ये फॉर्मूला याद है हो जाना चाहिए आप लोगों को, और साथ ही साथ इस फॉर्मूला को आपको प्रूफ करना खुद से आना चाहिए, हाँ बोर्ड में आ रहा है, हाँ बोर्ड में आ रहा है, क्लियर है, नहीं साइन कन्वेंशन यहाँ पे डालना है। अब सुनो मेरी बात, जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो उसका वैल्यू यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे करवाएंगे,
अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे।